एक ऐतिहासिक गीत है, अधिकार का प्रचार हमारे कांग्रेस के मित्रों ने गुजरात के अंदर किया था, एक जाति विशेष का सहारा लेकर चुनाव जीतने का प्रयास किया था, उसके बावजूद बीजेपी जीती है, बहुत उत्साहवर्धक है और ये भारतीय जनता पार्टी की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और 3.5 साल की जो हमारी केंद्र में सरकार रही है, निश्चित रूप से ये उसका एक संदेश जनता में जाता है कि हम जनता के हित में काम करते हैं और जनता के हित में काम करते रहेंगे और जो काम करते हैं और जनता उसे सहयोग भी करती है, उसे पसंद भी करती है। कांग्रेस के आगे ने कोई विशेष कांग्रेस को अब मंथन करना चाहिए, मात्र भाषणों से अनाप शनाप आरोप लगाने से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से उसे जनता की भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और अपनी नीति में भी सुधार करना पड़ेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी का मार्गदर्शन और आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे देश के अंदर मिल रहा है, ये कुल मिलाकर उसकी जीत है, मेहनत की जीत है, विकास की जीत है। और जिस तरह से जो है जो रुझान अभी तक आ रहे हैं दो प्रदेशों को लेकर के, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में गुजरात और गुजरात में जिस तरह से अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस ने किया था और लगातार कह रहे थे कि इस समय जो है कांग्रेस आएगी, किंतु एक एक जोरदार तमाचा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के अध्यक्ष को चिंतन करना पड़ेगा इस विषय को लेकर के। और मैं सभी उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा जो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, जिन्होंने उत्तराखंड से भी और पूरे देश से जो कार्यकर्ता वहाँ पर चुनाव के दरमियान गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 2012 में जो 115 सभी आंकड़ा था उसको अभी देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई आंकड़ा जो है पार करना है या उससे ऊपर जाना है। तो मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी मेहनत की। हम प्रत्येक सीट को और प्रत्येक चुनाव को बड़े सीरियसली लेते हैं और हम जब चुनाव जीत भी जाते हैं तो उसके पश्चात पूरा मनन होता है, पार्टी के अंदर चिंतन होता है, प्रत्येक बूथ की समीक्षाएँ होती है, आखिरकार हम कहाँ पीछे रह गए हैं, क्यों पीछे रह गए हैं, जीतने के बावजूद भी उसका आकलन किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है समस्या। मैं कांग्रेस के लिए विशेषकर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, उनका अपनी पार्टी का मामला है,
किंतु जिस तरह से जो बदलाव लाए हैं उन्होंने, सोनिया जी आज अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी जी प्रदेश में हैं, अध्यक्ष तो बहुत पहले से थे, पहले से काम कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है। देश की विकास हो, हिंद की प्रकाश हो, देश की विकास हो, हिंद की प्रकाश हो, एक नई ज्योति जली, बीजेपी की सेना जली, एक नई ज्योति जली, हर मन मोदी, जन जन कांग्रेस के भ्रष्टाचार और नरेंद्र भाई के कुशल नेतृत्व जो देश को प्रदान कर रहे हैं, उससे पहले गुजरात में उन्होंने कुशल नेतृत्व प्रदान किया। गुजरात एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया, जहां उनके कुशल नेतृत्व पर जनता ने फिर अपना विश्वास व्यक्त किया है। वहीं अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो आक्रामक कार्यशैली है और कुशल रणनीति है, वो आज फिर एक बार उन्होंने अपनी सफलता का एक तरह से झंडा गाड़ा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। असंख्य कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेकर और विधानसभा स्तर तक अपना दायित्व निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने खून पसीना पार्टी के मजबूती के लिए लगाते हैं, चुनाव की सफलता के लिए लगाते हैं, उन असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि लगातार छठी बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हासिल की है। निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में अगले साल, इस जीत से किस तरीके से उत्साह आया है पार्टी का? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह आप स्वयं देख रहे हैं, बाहर किस तरह से कार्यकर्ता जोश में हैं, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। और हमने भी प्रदेश की जनता से जो वायदा किया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन इस राज्य में देंगे, सुशासन देंगे, विकास हमारी सरकार का एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी पर है, इसलिए हम उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकायों में भारी बहुमत से जिता कर देगी। सर, जिस तरह से कांग्रेस के बयानबाजी सामने आई थी, मणिशंकर ने नीच का जो कहा था और भी कई बयानबाजी थी, क्या इसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, चुनाव में कई चीजें होती हैं। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, कोई पाकिस्तानी उच्चायुक्त से उनकी गोपनीय बैठकें होती हैं, सारी उजागर होती हैं, उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, कोशिश की, उन्होंने सारे एक तरफ हो गए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रही, आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन जब जनता मन बना लेती है, जनता को जब विश्वास है नरेंद्र भाई मोदी पर, तो उन्होंने अपने विश्वास को फिर एक बार व्यक्त किया।